नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने राम मंदिर पर दिया विवादित बयान, बोले नफरत की जमीन पर हो रहा राम मंदिर का निर्माण। धस रहे जोशी मठ में हालात बदतर, 600 परिवार शिफ्ट होंगे मंदिर ढहा, 561 से ज्यादा मकानों में आई दरारें। शिमला मसूरी से भी ज्यादा ठंडी दिल्ली, राजधानी में कोहरे की वजह से 100 फ्लाइट से डिले, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के साथ बारिश का अलर्ट। केंद्र ने PAFF को आतंकी संगठन घोषित किया, जैश ए मोहम्मद से जुड़ा था, राजौरी ने सैन्य शिविर पर हमले की जिम्मेदारी ली थी। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा, करनाल में 2.25 घंटे की देरी से यात्रा शुरू, रास्ते में बच्चों से मिल रहे राहुल गांधी, हाईवे पर जाम। औरैया में दिव्यापुर मार्ग पर पलटा अनियंत्रित ऑटो, सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल घायल महिला सिपाही को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। कानपुर में बीजेपी पदाधिकारियों को दरोगा ने जड़े थप्पड़, बीजेपी पदाधिकारी की पिटाई प्रकरण में हुई कार्रवाई। अलीगढ़ में खेतों में पानी देने गए किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी। अमरोहा में बोलोरो कार की खिड़की खोल युवक युवतियों ने किया स्टंट, बोनट पर रखकर काटा केक। हरदोई में कार में फंसे छात्र को 1 किलोमीटर तक घसीटा, गुस्साए लोगों ने पलट दी कार, SP बोले अभियोग दर्ज कर की जा रही कार्रवाई। अमेरिका में 6 साल के बच्चे ने फायरिंग की, स्कूल में महिला टीचर को गोली मारी, क्लास में हुए विवाद से नाराज था। प्रिंस हैरी की किताब के खुलासे, मां के मरने पर पिता चार्ल्स ने गले नहीं लगाया, भाई विलियम ने पहनना चाहने से इनकार किया था। रूसी सैनिक बैन के बाद भी यूज कर रहे मोबाइल, यूक्रेन सिग्नल ट्रेस कर अटैक कर रहा। मोस्ट वांटेड वुमेन स्मगलर गिरफ्तार, हजारों अफ्रीकी माइग्रेंट्स को किडनैप किया। कोरोना के खतरे के बीच चीन ने खोली सीमाएं, बुजुर्गों की जान में युवा दे रहे कोविड को न्योता। सानिया मिर्जा ने की टेनिस से संन्यास की घोषणा, अगले महीने दुबई में करियर का आखिरी टूर्नामेंट खेलेंगी। पाक न्यूजीलैंड कराची टेस्ट ड्रॉ, अंपायर ने खराब रोशनी के कारण खेल रोका, सीरीज भी 0-0 से बराबर। एशिया कप पर PCB और ACC आमने सामने, नज्म सेठी बोले पाकिस्तान को जानकारी नहीं दी गई। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज में रोहित विराट नहीं खेलेंगे, BCCI अधिकारी बोले दोनों के नामों पर नहीं किया जाएगा विचार। भारत श्रीलंका तीसरा T20 आज, श्रीलंका से पहली बार घर से सीरीज हारने का खतरा। पति जैद के साथ घूमने निकली गौहर खान, प्लांट किया बेबी बंप, यूजर्स बोले जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। पत्नी संगीता से अलग हो रहे सुपरस्टार थलापति विजय, 23 साल बाद ले रहे तलाक का फैसला। अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए इमोशनल हुए अब्दू रोजिक, बोले स्कूल से लौटकर बाजार में गाने गाता था। विवादों से दूर समंदर
से सैर करती दिखी दीपिका पादुकोण, फिल्म पर जारी कंट्रोवर्सी से दूर बेपरवाह अंदाज में आई नजर। शाहिद कपूर ने दिखाया अपने हेलमेट कलेक्शन, कहा मिलिए मेरी गर्लफ्रेंड से, फैंस बोले आपके पास बहुत है, एक हेलमेट हमें भी दे दीजिए। पांच मिनट की 25 बड़ी खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।